नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं विक्रम श्रीवास्तव। आइए डालते एक नजर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिटी सेंटर के तौर पर विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने श्रीनगर के साथ ही अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के संबंध में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का आकलन कर विस्तृत प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन कॉलेजों में सुविधा बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की समीक्षा बैठक की। उन्होंने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए भूमि की उपलब्धता पर भी ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेज में यह सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ पूरे प्रोफेसर हों। इसके लिए MCI के मानकों के अनुकूल प्रोफेसरों की नियुक्ति के भी नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए। पर्वतीय क्षेत्रों में अगर निजी क्षेत्र में कोई मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव आता है तो इसके लिए भी ठोस नीति का निर्धारण किया जाए। देहरादून में जमीन दिलाने के नाम पर दो सातिरों ने एक व्यक्ति से 39.5 लाख रुपए ठग लिए। साथ ही रुपए वापस मांगने पर आरोपितों ने जान से मारने की धमकी भी दी। प्रेमनगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं एक अन्य मामले प्रधानमंत्री योजना के तहत लोन दिलाने के भ्रामक पोस्टर लगाकर धोखाधड़ी की साजिश करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। देवप्रयाग के पिलेश्वरी बॉटलिंग प्लांट से हल्द्वानी के लिए 400 पेटी शराब लेकर चले ट्रक में दो GPS लगे थे। एक GPS बॉटलिंग प्लांट का था, जबकि दूसरा ट्रक संचालक ने लगा रखा था। बॉटलिंग प्लांट के GPS ने गैरसैंड में काम करना बंद कर दिया था। ऐसे में ट्रक संचालक ने जो GPS लगाया था उससे पता चला कि ट्रक द्वाराहाट में है। आबकारी विभाग के संयुक्त आयुक्त BS चौहान के मुताबिक ट्रक से शराब सोची समझी साजिश के तहत गायब की गई है, इसलिए ट्रक से एक GPS हटा दिया गया था। गनीमत रही कि शराब गायब करने वाले व्यक्ति को ट्रक में दो GPS लगे होने की जानकारी नहीं थी। संयुक्त आयुक्त के मुताबिक 3 दिसंबर को ट्रक तय समय पर हल्द्वानी नहीं पहुंचा तो उसकी तलाश शुरू की गई। ट्रक संचालक तक बाद पहुंचने पर 5 दिसंबर को पता चला कि ट्रक द्वारा हाट में खड़ा है। DGP ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही द्वारा हाट प्रभारी निरीक्षक को FIR दर्ज न करने के चलते सस्पेंड कर दिया गया। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के अधीन 14 हवाई पट्टियों का उपयोग निजी संस्थाएं उड्डयन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए करेंगी। इन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सरकारी हवाई पट्टियों के इस्तेमाल को प्रदेश सरकार जल्द ही कैबिनेट में नीति लाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर सैद्धांतिक सहमति जता दी है। नीति को मंजूरी मिलते ही विभिन्न निजी फ्लाइंग क्लब सरकारी हवाई पट्टियों का इस्तेमाल पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक ढंग से कर सकेंगे। प्रस्तावित नीति में पायलट, अभियंता, टेक्नीशियन, फ्लाइट डिस्पैचर, केबिन क्रू से संबंधित प्रशिक्षण के लिए हवाई पट्टी का उपयोग किया जा सकेगा। निजी संस्था स्वयं के खर्चे पर ट्रेनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगी, साथ ही उन्हें नियामक संस्थाओं से स्वीकृति प्राप्त कर उनके दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आवेदन पत्र, शैक्षिक दस्तावेज, जाति व निवास प्रमाण पत्र में मानवीय त्रुटि के कारण जो अभ्यर्थी पहली और दूसरी काउंसलिंग से वांछित रह गए थे, उन्हें इन गलतियों को सुधारने का मौका देते हुए उनके लिए जिलों में तीसरी काउंसलिंग बुधवार से शुरू हो गई है। तीसरी काउंसलिंग 9 से 11 दिसंबर तक कराई जाएगी। काउंसलिंग में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को 12 दिसंबर को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इस काउंसलिंग में वे अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे जो किन्हीं कारणों से पहली और दूसरी चरण की काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। मैं विक्रम श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। जाने से पहले याद रखें, दैनिक जीवन में कुछ छोटे बदलाव करके हम प्रदूषण कम करने की दिशा में योगदान कर सकते हैं। जैसे पॉली बैग और प्लास्टिक के बर्तनों और वस्तुओं के उपयोग से बचें,
क्योंकि किसी भी रूप में प्लास्टिक का निपटान करना मुश्किल है। तो आप देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।